हेलो फ्रेंड, अमीची कार्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दीपक और आज हमारे पास प्रोडक्ट है, एक बहुत ही बेहतरीन स्मार्ट प्रोडक्ट है जो कि वाईफाई से कनेक्ट होके एक स्विच की तरह भी काम करता है। एंड सर्किट ब्रेकर आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से मैनुअली सर्किट ब्रेकर भी है। एंड इसके अंदर ओवर अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी है एंड करंट प्रोटेक्शन है जो कि आप इसके अंदर मैनुअली यहाँ से आपको बटन से सेट करना होगा। एंड इसके अंदर जो वाईफाई से कनेक्ट होके आप रिमोटली इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं और काफ़ी सारे फीचर हैं जो कि मैं आगे वीडियो में कवर करूँगा। आपको इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे हम मोबाइल के साथ कॉन्फिगर करेंगे। एंड यही है, तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वायरिंग करके, आपको आगे मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने वायरिंग को कंप्लीट कर लिया है। ये इनपुट वायर है और यहाँ पे इनपुट कनेक्टेड है, ये आउटपुट है। ये 63 एम्पियर के सर्किट ब्रेकर के साथ में आता है जो कि आप इसे पावर ऑन ऑफ करने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड ये सेट बटन है जो कि इस डिवाइस में ओवर अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी है। इसे आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ से आप ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज की सेटिंग को भी कर सकते हैं। ओवर वोल्टेज का यहाँ पे रेंज है, आपको मिलता है 230 से 300 वोल्टेज तक का। एंड अंडर वोल्टेज का आपको इसमें रेंज मिलेगा 145 से 210 वोल्ट का। इसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है आपको दिख रहा है ये, और ये करंट की सेटिंग है जिसका रेंज 1 to 163 है। और ये डिले स्टार्ट है जो 3 सेकंड से 300 है। ये ओवर वोल्टेज कट ऑफ का डिले स्टार्ट टाइम था जो कि अगर कट ऑफ हो जाता है तो वापस से सही होने पे इतने सेकंड बाद ऑन करेगा। और यहाँ पे आपको लाइव वोल्टेज दिखा रहा है डिस्प्ले में। एंड आपका एम्पियर भी ये चेंज होता रहता है, इंटरचेंज होता रहता है। तो यहाँ पे एम्पियर की रीडिंग में फ्लक्चुएशन है क्योंकि इसका मिनिमम रीडिंग जो है दिखा रहा है। तो ये पावर बटन जो है, आप पेयर बटन भी है, इसे ऑन ऑफ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, पेयरिंग के लिए भी। तो लॉन्ग प्रेस करने के बाद से कुछ इस तरह से ग्रीन लाइट फ्लैशिंग करने लगती है। फिर हम अपने मोबाइल ऐप में जाएंगे, ईवी लिंक ऐप जो हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो आपको मैनुअल पे मिल जाएगा। वहाँ से आप लिंक के द्वारा QR कोड स्कैन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को। ये आपको आई थिंक प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम सिंपल सा प्रोसेस है इसे पेयरिंग का, तो क्विक पेयरिंग में जाएंगे, ऐड वन डिवाइस एंड यहाँ पे वाईफाई जो सेलेक्ट करेंगे 2.4 GHz ही रहना चाहिए। और फिर यहाँ पे आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कनेक्ट हो चुका है, लिंकिंग डिवाइस एंड क्यू डिवाइस, ये सारा कुछ अब कनेक्ट होके ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन ये हमारा टेस्ट यूनिट है तो इसको हम रीनेम कर देते हैं टेस्ट से, देन सेव कर देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसका नाम डिफाइन कर सकते हैं, आप इसे कहाँ यूज़ करना चाहते हैं। तो ये हमारा सक्सेसफुली डिवाइस ऐड हो गया है। यहाँ से मैं आपको पावर ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लोड ऑन हो चुका है। अभी वापस से अगर हमें इसे ऑन ऑफ करना है, इसके बहुत सारी सेटिंग है। आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको शेयर दिख रहा है। अगर किसी और को, अपने फ्रेंड को या किसी को शेयर करना चाहते हैं या कोई फैमिली को शेयर करना चाहते हैं कि ये इसका एक्सेस उनके पास भी रहे, वो भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये पुश नोटिफिकेशन, ऑफलाइन अलार्म, अगर ये सारे फंक्शन है आपको दिख जाएगा। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पावर ऑन स्टेट, ये कि जो कि अभी ऑफ है। तो जैसे कि आप यहाँ पे लोड ऑन कर रखा है और स्विच ऑफ करते हैं, वापस से ऑन करते हैं, ये लोड ऑन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पावर ऑन स्टेट ऑफ है। तो हम इसे चेंज करने के लिए हमें इसे लास्ट स्टेट में रखना होगा और सेव करना होगा। एंड वापस से हम बैक हो जाएंगे और वापस से स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो ये ऑन ऑफ होता है। मेक श्योर करना है कि आपका जो सेटिंग है पावर ऑन स्टेट, ये हमेशा लास्ट स्टेट में रहे। जैसे कि अभी मैं इसे ऑफ करके और मैं स्विच को ऑन ऑफ करता हूँ तो ये ऑफ स्टेट में रहेगा, ये वापस से ऑन नहीं होगा। मैं कनेक्ट होने के बाद वापस से प्रेस करूँगा तो ये स्विच ऑन ऑफ हो गया।
इन केस कभी आपका लास्ट स्टेट वर्क नहीं करता, कि आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, लास्ट स्टेट में हमने रख रखा है फिर भी ये काम नहीं कर रहा है, तो इसे कैसे फिक्स करेंगे? तो इसे फिक्स करेंगे, यहाँ पे हम वापस से आ जाएंगे, सिर्फ लास्ट स्टेट में आएंगे, हम किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे एंड बैक हो जाएंगे। और ये हमने पावर ऑन स्टेट ऑफ रखा था तो अभी ऑफ है, और वाईफाई से कनेक्ट हुआ तो हमने वापस से ऑन कर दिया। फिर से हम वहाँ पे जाएंगे पावर ऑन स्टेट में, फिर लास्ट स्टेट करेंगे, देन सेव कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि अब जब हम ऑन ऑफ करेंगे तो ये वापस से जिस फॉर्म में रहेगा उसी फॉर्म में रहेगा, जैसे अभी ऑन हुआ तो ऑन हो गया। यहाँ पे आप शेड्यूल भी कर सकते हैं, टाइमर भी कर सकते हैं, और लूप टाइमर की भी सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। अगर लूप टाइमर आप करना चाहते हैं, कितने देर ऑन ऑफ चाहते हैं, मतलब वो लूप में टाइमिंग चलते रहे कि इतने देर ऑन रहे इतने देर ऑफ रहे, तो बस इतने ही इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। इसे कैसे कनेक्ट करना है ये सारा कुछ कवर कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में समझ में आया होगा, प्रोडक्ट आपको काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि ये नीड है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप घर से कहीं जाते हैं और आपको अचानक से पता चलता है कि अपने घर का कोई लाइट बंद करना भूल गए हैं कुछ है, तो आप अपने पूरे घर का लोड अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से ऑपरेट कर रहे हैं, इंटरनेट से आपका कनेक्टेड है, देन आप उसे ऑफ कर सकते हैं। बहुत सारे जगह आप इसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस स्मार्ट प्रोडक्ट को खरीद सकें, एंड एक सेफ्टी प्रोडक्ट भी है। तो बस इतना ही है इस वीडियो में, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हैप्पी।